बच्चों को पढ़ा रहे हैं। काफी लंबा हो गया क्वेश्चन, प्लीज सर एक बात बताएं, सिक्योरिटी कार्ड पे आपने जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है कि जब हुआ कुछ नहीं था तो कितना ड्रामा। यस दैट्स द क्वेश्चन। आप लोगों ने क्यों किया, सोशल मीडिया पे आपने जब देख लिया तो बयान क्यों नहीं दिया? दैट्स द क्वेश्चन। क्यों आगर साहब की तरफ से बयान जारी हुआ इतने दिन के बाद कि कुछ नहीं हुआ, आज आप बैठे ये कह रहे हैं कि 98% वो बच्चे हैं जो हमारे कॉलेज की नहीं है। यस एग्जैक्टली। पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने उस टाइम पे? अच्छा अब प्लीज बस कर दें, क्वेश्चन बड़ा लंबा हो गया। क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन इसमें बीच में क्या है? चलिए जी आप देख लें, मैं कार्ड के ऊपर अभी लग जिन्होंने बच्चों को मारा बंद कर दिया उस पे FIR आपने क्यों नहीं की? उस एक बच्ची के पीछे बार बार बात हो रही है कि वो कभी गिरती है, पुलिस का बयान और आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग इस चीज को क्यों आप सस्पेंड करते हैं? उसको अभी भी पकड़ाया ना आपने कार्ड को, उसी टाइम पे पकड़ाया था जब आपने, तो आप बयान दे सकते कि जी हमने सिक्योरिटी कार्ड को पकड़ लिया है। अब सिर्फ आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो ये सब कुछ क्यों हुआ? प्लीज raise the question, what is the question? करने आप दोबारा कर दें, मेरी नाहली समझ लें। मैं प्लीज आप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक तो ये कि हमने मिसमैनेजमेंट नहीं हुई है, मिसमैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। मिसमैनेजमेंट को अगर आप जो कह रहे हैं वो एक इमोशनल रिस्पांस था, जो हम लोग कुछ कह नहीं रहे थे सिर्फ एक दिन के लिए। मंडे को आगा साहब के बयान से पहले हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज के ऊपर पोस्ट लग गई थी जिसमें हमने ये क्लियरली आउटलाइन किया था कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम लोग पुलिस के साथ कनेक्शन में हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है हम लोग आपको बताते रहेंगे। पहली बात ये मंडे को लग चुकी भी थी, वीडियो सिर्फ कल निकली है, अदरवाइज मंडे के दिन ही ये पोस्ट लग चुकी थी। दूसरा ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं हुई। एक सेकेंड, एक इदारा है जो पिछले 40 सालों से काम कर रहा है और वो तालीमी पेशे के अंदर है और है, इट्स अ बिजनेस बट दे इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ओके, इट्स ओन्ड बाय अ फैमिली, दे हैव इन्वेस्टेड देयर लाइव्स, दे हैव इन्वेस्टेड देयर लाइव्स इन एजुकेटिंग दीज पीपल, ठीक है। सो इन एक तोहमत लगती है which has no roots and social media makes it big. So the post of what our stance is was put up on Monday on social media, that's all that needs to be said. Ab itna bada kyun bana social media ka, aap social media se puche ye kyun trend kar rahe hain, aap trend se puche aap please isko is tarah kare jo madam ka jo particular question tha na, आई कम बैक टू योर क्वेश्चन। जी सिक्योरिटी गार्ड, देखिए आप अभी देखिए मैम, बात ये है जो सिक्योरिटी गार्ड वाला मामला है, ऑलरेडी भी आरिफ साहब बता चुके हैं कि अगर कोई ऐसी हैंडलिंग हुई है तो जाहिर है हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, हम ज़रूर ऐसी कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड क्या किसी से भी हुई होगी तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी जो आप बात कर रही हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को क्लासरूम में बंद करके मारा, तो वो बच्चे जो हैं कंप्लेनेंट जो हैं वो तो एक बहुत बड़े कंप्लेनेंट होना चाहिए, FIR तो वो जाके कटवाते, FIR तो उनको कटवा देनी चाहिए। मैम उस उन वो फोटेजेस जो बंद कमरे की हैं वो तो आपके पास नहीं आ सकते ना, जिसका आप काइंडली दिए जी मुझे भेजें, आप हेल्प आउट करें, आप हमें दें वो बंद कमरों की तस्वीरें और बाकी अब सिक्योरिटी गार्ड या जो भी स्टाफ है हमें मालूम है उसको करेंगे। नहीं, फ्यूचर हम टीचर्स हम किसी का फ्यूचर नहीं खराब करेंगे। हम स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए हमें तो मेरा अपना मेरी अपनी राय हो सकती है, मुझे तो ये भी लगता है कि ये बच्चों की किसी इनोसेंस पे किसी बेवकूफाना अमल के ऊपर ये इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई वो चीज़। बच्चों को समझाना हमारा फ़र्ज़ है, वो हमारी क्लासेस में आएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे। आपको भी पता होगा तो मीडिया ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो चीज़ें राय से मालूम हुई है उससे
करने दें करने दें जिसकी बच्चे बाद में सामने लाए गए हैं बच्ची वाकई हमारा काम नहीं है। दूसरे नंबर पर ये वाकई 8 अक्टूबर को है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये वाकई बेसमेंट पे नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर पर, ये भी लेटेस्ट न्यूज है। और वहाँ पर एक बच्ची को थप्पड़ भी मारे गए हैं, ये यार थप्पड़ पे रेप तो नहीं हो सकता ना यार। अब दो चीजें मिक्स ना कर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वाकया थर्ड पे हुआ है, साथ ही आप कह रहे हैं बच्ची को एक थप्पड़ भी मारा है। हाँ उठा गोंदल साहब प्लीज, देखिए एक तो ये है कि आप जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है या किसी और डिपार्टमेंट की है, प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, उसको आप मेरे से ना जोड़ें। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट दे दी है, वेदर यू वॉन्ट टू बिलीव और नॉट दिस इज़ अप टू यू। आप करना चाहते हैं आप उस पर यकीन करें, आप नहीं करना चाहते हैं आप यकीन मत करें। मैं सिर्फ डिफेंड ये करूँगा, देखिए आप मैडम ने भी बड़ा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया कि वाई ऑल इट हैपन्ड इन आर इंस्टीट्यूशन डिफरेंट। एक तो ये देखें ये एज ब्रैकेट कौन सी है, ये जितने बच्चे हैं ये सारे 16-17-18 साल के हैं और टिकटॉक भी आपको पता है बच्चे भी बनाते हैं। ये हमारा एक इसके पॉजिटिव भी हैं सोशल मीडिया के, इसके नेगेटिव्स भी हैं, कई इसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, कई बच्चे इसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक देखें अभी एक इधर से एक और क्वेश्चन नया आ गया कि जी थर्ड फ्लोर पर ये वाकया हुआ, ये हमारे लिए भी एक भी न्यूज़ थी। देखें मैं आपको ओपन ऑफर कर रहा हूँ, एक मैंने पहले ऑफर की है, एक दूसरी भी कर रहा हूँ। इफ़ एनी बॉडी फ्रॉम योर साइड इफ़ यू हैव द एविडेंस ऑफ द हॉस्पिटल एवर केयर और वट एवर, इफ़ यू हैव द एविडेंस ऑफ एनी गार्ड हु इज़ डिलिब्रेटली आई मीन इन्वॉल्व इन दोज एक्टिविटीज तशद्दुद वगैरह वट एवर, आप यकीन करें कि आप वो हमें दें। अगर मैं एक्शन ना करूँ, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन ना लें, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पकड़ लें। लेकिन दें, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है, ये सोशल इशू है। देखें आज खुदा ना खास्ता बिलासफी में है, उसके ऊपर एक आप एलिगेशन सोशल मीडिया पे लगा दें, कोई उस बच्चे को उसको किसी और बंदे को कोई लिंचिंग में ले जाए, किसी और एक्टिविटी में ले जाए, उसको मार दे, हम बाद में सिर्फ पछताते रहते हैं। मैं इतना बड़ा क्लेम आपसे किया है कि मैं आपके सामने आ जाऊँ, मैं 10 दिन बाद फिर आ जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ इनमें रखें कि अगर आज आप राइट साइड पर नहीं खड़े होंगे, मैं नहीं कह रहा मेरी राइट साइड है, राइट साइड वो है जो दुरुस्त है, जो हक पे है। अगर ये वाकया हुआ है, मैं रिपीट करूँगा, तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन अगर एक सेकंड, लेकिन अगर ये वाकया नहीं हुआ, अगर ये वाकया नहीं हुआ तो मुझे उस सोल्यूशन का भी बताएं कि देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स। आप यकीन करें हम तो अपने बच्चे ही उनको समझते हैं। मैं ज़रा ये कंप्लीट कर लूँ, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट, लेट सर ठीक। मैं ठीक है, मैं अपने आपने भी यही करना। अच्छा एक हो गया, दूसरा इधर से अगर देखिए ये मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्ची कहाँ पे है, डज शी। अच्छा वो मैं उसका कर लूँ ना, फिर आप कर लीजिएगा। मैं 2 घंटे यहाँ पे हूँ, आप के पास नहीं है तो फिर आप, मैं मुकम्मल कर लूँ प्लीज। अच्छा आप कह रहे हैं कि हमें अभी तक बच्ची का पता नहीं है, जो सीएम को रिपोर्ट पेश की गई है, जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी उसमें बच्ची के घर जाकर इंक्वायरी की गई है, तो आपको अभी तक पता ही नहीं है। ये फिर आप ने उनके उसमें मैं भी हूँ, उसमें मैं भी हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, आपने रिपोर्ट तो वो देखी होगी, क्या लिखा हुआ है उसमें मैं बता देता हूँ। कमेटी में तो मैं खुद, मुझे बुलाया गया था, मैं बता रहा हूँ उस वो, मैं यही आप ओके ओके ओके। पहली बात तो ये है कि लेट मी गोंदल साहब तुम्हें ठंडा करो, 22 लोगों के उन्होंने मुख्तलिफ के इंटरव्यूज़ किए। मैं नहीं कह रहा कि आप सरकार के साथ बैठें या आप उनकी हमायत करें, जो रिपोर्ट सर बता रहे हैं मुझे, जो भी नाम है अच्छा ही होगा, शराज साहब,
जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि बाप ने, उसके पेरेंट्स ने, मैंने भी पढ़ी है कि जी वो बेड से गिरी है, उसको कुछ स्पाइनल कुछ सांस का इशू उसको ऑलरेडी था, दे टोक हर टू दी हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, वहाँ से वो एक दिन उसको लेके गए हैं ब्रेन को एक डॉक्टर वहाँ उसके पास, उसके बाद फिर उसके बाद तीसरी जगह उन्होंने फिर उसको इत्तेफाक हॉस्पिटल ले गए। तो ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, मैं उसका आंसरेबल हूँ जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। अगर उन्होंने बनाई है वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है, दिस इज़ योर जॉब टू इन्वेस्टिगेट टू प्रॉब, ये उनका काम है, आप उसको करें। दूसरा आपका क्वेश्चन सर कौन सा था? बेड से गिरी है, बेड से मुझे नहीं पता, बैग में भी है। अच्छा दूसरा है कि वो आप अभी कह रहे हैं कि वो बच्ची फिर जहां वो गए हैं वो और है, भाई फिर जो दूसरी बच्ची जिसका कोई और जिक्र कर रहा है वो तो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, वो कहां है, वेयर इज द अदर गर्ल? वो आप मेरे पास नाम दे दें, मुझे वो शवाहद दे दें, मुझे वो लड़की बता दें, वो हॉस्पिटल बता दें, वो थाना बता दें, वो पुलिस स्टेशन बता दें जहाँ पर ये नहीं है, कोई थर्ड कोई और बच्ची है। देखें मैं तो फाइंडिंग आपको बता रहा हूँ कि इट डज नॉट हैपन, इट डजंट हैपन, हुआ ही नहीं, इट नॉट हैपन, हुआ नहीं है। बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को श्योर है कि वही स्टूडेंट है और वही सारी कुछ है, फिर तो बात खत्म हो जाती है। आप जाएं उनके घर, उसके तहत जाके हमें पर्चा कटवा खत्म कर लेनी चाहिए, अरेस्ट कर लेना चाहिए, फिर तो क्लियर हो गया ना, अगर यही बात है। अच्छा सर, एक बड़ी अच्छी बात की, एक बड़ी अच्छी बात की कि जो स्टूडेंट थे वो दूसरे कॉलेजेस के आए थे, मैं उसका सपोर्ट के ऊपर मौजूद था, मैंने वो देखे है कि वाकई कुछ स्टूडेंट आपके कॉलेज के नहीं थे, कुछ प्राइवेट स्टूडेंट भी वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो गर्ल्स कैंपस थे, गार्ड्स ने उनको रोका, उन्होंने रिटेलिएट किया, और उनकी गार्ड की कोशिश ये थी कि तालबात काफ़ी ज़्यादा तादाद है, उनको उन्होंने बचाना है। अब ये लड़के कौन है कौन नहीं है इसको हमें रोकना है, ये उनकी ड्यूटी में शामिल था। दूसरा, GNN न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है, धनाकपट्टी में रहना है, कल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उसके वालिद के साथ मैं खुद कर गया, वो बच्ची ईजा बतूर, एक मिनट प्लीज सुनिए, बच्ची ईजा बतूर मेरे साथ बैठी थी, उसकी माँ बैठी थी, उसकी बहन बैठी थी, और उसके वालिद साहब बैठे थे, मैंने सारा उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये खत्म हो गई बात। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, अगर वाक्य नहीं हुआ तो क्या वाडा सवाल है, सवाल बड़ा सवाल है। ये आप उनसे पूछे यार, हमारे यहाँ आप अगर कॉलेज को कोई डी फ्रेम कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए मेरे इलम में ऐसी कोई चीज नहीं, किसी के साथ एजेंडे को नहीं जानते हैं, हमारा कोई मतलब, तो अपनी चीजों को नहीं जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनसे पूछो, और यही बार बार रेपिटेशन हो रही है, मेरी आपसे फिर गुजारिश है।